दोस्तों, मेरा जो तरीका होगा वो सबसे यूनिक होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट। देख सकते हो आप लोग, हमने बिना किसी कटआउट के और बिना किसी छेड़छाड़ के अपनी सिंगल सीट को स्प्लिट सीट का लुक। तो वेरी वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मेरे उन सब्सक्राइबरों के लिए है, बोले तो उन दोस्तों के लिए जो मुझे बार बार ये कमेंट कर रहे हैं, हमें अपनी पल्सर 150 में सिंगल सीट को डबल सीट करने का कोई तरीका बताओ या फिर उसे करके देखो। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपनी बाइक की सीट के ऊपर से ये दो पैटर्न बना लिए, ओके, और उसी के हिसाब से मैंने इसी पैटर्न के हिसाब से मैंने ये फोम कट कर लिया। अब मैं इसको कुछ डिज़ाइन से कट कर रहा हूँ, मैंने इस पर निशान लगा दिया। बस मैं बीच में से आपको दिखा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैं सोचा कि मैं थोड़ा कुछ कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो देखिए मैं इस तरीके से इसको यहाँ से कट करूँगा। देख सकते हैं दोस्तों, लगभग एक सीट का फॉर्म हमारा तैयार हो चुका है, दूसरे को भी बना लेते हैं। अब हम इस बचे हुए पोर्शन में से निकालेंगे अपनी आगे की सीट का हिस्सा, ओके। इसकी किनारी को थोड़ा सा डाउन करना है और इसको थोड़ा सा गोल शेप देना है, और ये यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से गोल शेप देना है, ओके। ये इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसकी किनारियों को बिल्कुल लेवल में करेंगे। वो किस तरह से करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो हम करेंगे इस आरी ब्लेड की हेल्प से, किस तरीके से, इस तरीके से ये बिल्कुल भी लेवल में आ जाएगा, ओके। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए बिल्कुल ही ये लेवल में आ गया है, ओके। उसी तरीके से मैंने इसकी भी किनारियाँ रब कर ली हैं, देख सकते हैं आप बिल्कुल ही। इसके बाद हमें एक ये रैक्सिंग का सीट खरीद लेना है, ये आपको मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएगा, और ये आपको मिलेगा जो थ्री व्हीलर ऑटो वगैरह के जो सीट वगैरह बनाते हैं उनके पास में, या जो ऑटो का कवर बनाते हैं उनके पास में आराम से मिल जाएगा। ये बहुत ही सस्ता है दोस्तों, 150 रुपये मीटर है आपका, हाफ मीटर में ईजिली हो जाएगा, हाफ मीटर में आपका बहुत ही प्यार से सीट बन जाएगा, ओके। हम इसको 32 इंची से 33 इंची लंबा और 14 इंची चौड़ा हम इसकी एक पट्टी निकाल लेंगे, ओके। चलिए अब हम इसको सीधा काट लेते हैं। दोस्तों ये हमने कटिंग कर ली है, तो दोस्तों अब हम इसे उल्टा करके रख लेते हैं, ओके, पलट के जिस साइड से इस पे कपड़ा है, 14 इंची पे एक निशान लगाना, ओके, हो गया, ओके। अब ये एक बार फोल्ड होगा। दोस्तों एक चीज़ और, मेरी वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी, ओके। और उसके बाद हम इसके आधे इंची पर एक और निशान लगाएंगे ऐसे, ओके, इस तरीके से सीधा कर लेते हैं, और ये इसको भी सीधा कर लेते हैं, ओके। अब हम चलते हैं सीधे मशीन पर, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके इस वाले निशान पे, ओके, और इसको यहाँ से सीधा सिलाई कर लेंगे, ओके। अब हम इसको डबल टेप की हेल्प से इस तरह से सेट करके इसको यहाँ पर इसके ऊपर ही, सीट के ऊपर ही हम इसको चिपका देंगे, ओके, इस तरीके से, ओके। अब हम इसको यहाँ चिपका लेते हैं, बस अब ये कहीं अपनी जगह से नहीं जाएगा, ओके, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें भी कर लेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हम इस तरीके से इसका नाप ले लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से प्लेन करते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे, इस तरह से, ये यहीं तक लगाना है हमें निशान, और ठीक इसी तरीके से हम इसको भी पीछे वाले को भी अपना थोड़ा सा खींचते हुए इस तरीके से ये यहाँ से लेना है हमें दोस्तों। हम इसके हिसाब से कटिंग कर लेते हैं, जो पल्ला मतलब जो यहाँ से चौड़ा है, ओके, अगर कोई दिक्कत होगी तो बाद में हम उसको छांट के बराबर कर लेंगे। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं हम इसकी। ये हमारी सीट का आगे वाली सीट का साइड का पोर्शन है, ओके, जब हम साइड से देखते हैं अपनी सीट को उस जगह का। तो चलिए इसका भी निशान लगा लेते हैं और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, और ये हमें दो पल्ले ले लेते हैं। इसी का ऑपोजिट हम एक और पल्ला निकाल लेते हैं इसी के हिसाब से। निकल गए हमारे, अब रह गई दोस्तों इसके बीच की कटिंग, तो बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ओके। अब हम जो इसके साइड का जो पल्ला काटेंगे, जो साइड में लगेगा इसके,
उसकी कटिंग को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर तो मैं उसको आप लोगों को एक सिंपल तरीके में बता देता हूँ। देखिए हमें सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचनी है, ओके। ये देखिए, देखिए 20 इंची का हमने एक लाइन खींच लिया, यहाँ से यहाँ तक इसका मिडिल पॉइंट दोस्तों ये है। अगर हम इसके बीच में एक सीधी लाइन खींचें तो हमारा ये 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ हो जाता है, ओके। एक 30 डिग्री का एंगल यूँ और एक 30 डिग्री का एंगल यूँ, ये दो लाइन हमें खींचनी है। अब यहाँ से भी हमें ये नापना है कि ये 10 इंच है या नहीं, ओके। ये देख लीजिए 120 डिग्री के एंगल पे हमें एक 10 इंच का निशान लगा लेना है इस तरह से, ये देखिए, ओके। और इसको फिर हम इस पॉइंट से ऐसे मिला लेंगे, ये देखिए, ओके। 10 इंच यहाँ से यहाँ तक और 10 इंच यहाँ से यहाँ तक, ओके। ये देखिए ये 10 इंची इसका मिडल पॉइंट है 5, ओके। ये यहाँ पे, यहाँ से हम एक इंची डाउन नीचे कर देंगे, 10 इंच का जो मिडल पॉइंट है 5 इंची, ये देखिए यहाँ पर, इसमें भी हम एक इंची अंदर की तरफ डाउन कर देंगे। ये एक इंची जो हमने ये डाउन किया है, इस पर हम अपनी कटिंग का निशान लगा लेंगे बिल्कुल गोल करते हुए इस तरीके से ऐसे, और इसको भी इस तरीके से ऐसे। इस मिडल पॉइंट से हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं एक, और यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाते हैं बिल्कुल सीधे पे, ओके। ठीक उसी हिसाब से इसमें हम थोड़ा सा तिरछा इधर की साइड करेंगे इसको इस तरह से, और 5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, ओके। और इसको ऐसे मिला देंगे। ये जो मिडल पॉइंट है इसमें हम यहाँ 4.5 इंच लेंगे, लीजिए, ओके। और यहाँ से भी हम 4.5 इंच ही लेंगे, ओके। अब हमें इस तरह से इस लाइन को भी ऐसे मिलाते हुए ऐसे मिला देना है, ओके। अब हम इसके हिसाब से यहाँ तक कट कर लेंगे और ये यहाँ तक कट कर लेंगे, पहले काट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पल्ला कट के सामने आएगा, ओके। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से ताकि इसका कोना निकल जाए। ये आपके सामने कुछ इस तरह से बन के आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा बैक पल्ला और ये हमारा सीट का कपड़ा, ओके। तो इसको हमें कैसे सिलना है दोस्तों, ये पल्ला हमारा सीधा रहेगा और इसको हम उल्टा यहाँ से लगाएंगे, जो हमने कट लगाया था देख सकते हैं आप इस वाले कट पे, इसको जोड़ेंगे हम इस वाले कट से, ओके। तो सेंटर से हम शुरू करेंगे, ओके। इस साइड से उसी पॉइंट से हम शुरू करेंगे, और दबाएंगे और वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम अब इस साइड के पल्लों को भी जोड़ लेते हैं, ओके। तो दोस्तों देख सकते हो ये है वो पल्ले, दोस्तों अब हमें इसमें से एक टुकड़ा निकालना है जिसकी ऊपर से लंबाई 17 इंची होगी और नीचे से, ओके। तो इसका जो मिडिल पॉइंट है वो ये है, इस पर हम निशान लगा लेते हैं और इस साइड एक 17.5 पर निशान लगा लेते हैं, ओके। यहाँ से हम नाप लेते हैं 8 इंच, ओके। जैसे 8 इंची पर, 8 इंच पर हम यहाँ भी निशान लगा देंगे। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोड़ा काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए, ओके। अब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला लेंगे इस तरीके से, ओके। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, चलिए अब इसे भी जोड़ लेते हैं, ओके। चलिए दोस्तों अब मैं इसको जोड़ के दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ, मैंने इसके ऊपर ये देखिए सिलाई लगा दिया, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, और इधर भी बंद लगा दिया मैंने इस तरीके से, इसको पक्का कर लिया, ओके। दोस्तों 13.5 इंच करने पर भी, 13 इंची करने पर भी ये फिट नहीं बैठा, तो मैंने इसको और 1.5 इंची घटा दिया है, ओके। 3 इंच मैंने इसको घटा दिया, तो अब ये 10.5 इंची रहा है, 10-10.5 इंची, ओके। अब ये बिल्कुल सेट। अब हमें इसे करना क्या है, ये देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा है, इसको इस तरीके से गोल काट लेना, ओके। अब ये बिल्कुल इस तरह से गोल हो जाएगा, ओके। दोस्तों ये अभी इसमें कुछ इस तरीके से लग रहा है, आपको ये थोड़ा आउट लग रहा होगा, लेकिन अभी इसकी मेरे को थोड़ी सी छटाई करनी है, इसको सेट फिट बैठा करके दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से खींचते हुए इसको थोड़ी थोड़ी इसकी छटाई करनी है, ओके। पहले पेन से निशान लगा लेते हैं,
ये इतना करने के बाद दोस्तों जितना हमने निशान लगाया है उससे सिर्फ आधी इंची हम साइड में कर करके कटिंग कर लेंगे। ओके हमने इसकी चटाई भी कर ली और इसकी कटाई भी कर ली। ओके कपड़ा लगाएंगे जिसमें हम रस्सी अटैच करेंगे और रस्सी से हम खींच सकेंगे, खींच के इसको बांध सकेंगे। ओके लगाएंगे इसकी किनारी पे कपड़ा और कपड़े के साथ में लगाएंगे डोरी। तो जो कपड़ा लगेगा वो मैंने ले लिया है, ये 3 इंची चौड़ा है। ओके इसकी चौड़ाई 3 इंची है और दो पीसेस लिए हमने, एक है 33 इंची का और दूसरा है लगभग 44 इंची का है दोस्तों। ओके एक 32 इंची और एक 44 इंची। तो चलिए लगा लेते हैं इसको, हम इसे लगाना शुरू करते हैं दोस्तों। 32 इंची वाला जो है वो पीछे वाले हिस्से पे लगेगा और 40 इंची वाला आगे हिस्से पे लगेगा। ओके चलिए अब ये रस्सियाँ भी हम लगा लेते हैं। ओके तो इसमें पहले हम यहाँ गांठ मार लेंगे, ये हम उससे जितना हमने कपड़ा लिया उससे 10 इंची फालतू रखेंगे। ओके दोस्तों लग गया, इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे। फाइनली हमने पूरे पे लगा लिया रस्सी। दोस्तों इसको सिंगल सीट को डबल सीट में कन्वर्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये वही फॉर्म है, ये एक्चुअली थोड़ा मोटा था तो इसको मैंने फिर से काट करके घिस दिया है। ओके और ये भी वही है, इसको थोड़ा सा इस तरह से काटा है, इसको घिस दिया है। ये एक्चुअली पहले बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था तो इसलिए मेरे को इस तरह से इसको करना पड़ा। ओके और यहाँ से भी ज़्यादा ऊँचा हो गया था, हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी और इसे थोड़ा सा मैंने और ऐड किया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये चिपकाया हुआ है मैंने अलग से। ओके इसी की शेप में देकर के और ये मैंने इसकी बीच की वो वायर भी हटा दिया, वो वायर मैंने वो वायर निकाल के इसमें लगा दिया। ओके दोस्तों देख सकते हो आप, हमने ये मिडल में निशान लगा लिया है, इस सीट के भी मिडल में और ये इसके मिडल में। ओके अब हम इसको प्रेस करके दोनों साइड से पहले की तरह से बंद कर देंगे। ओके तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको दाब के बिल्कुल प्रेस कर दिया और मोड़ भी दिया है। ये हमने अपना फॉर्म चिपका लिया दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों अब हम इस साइड भी वो अपनी डबल साइडेड टेप लगा लेंगे और उस पर अपना ये दूसरा फॉर्म भी चिपका लेंगे। ओके तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, हमने बिना किसी कटआउट के और बिना किसी छेड़छाड़ के अपनी सिंगल सीट को स्प्लिट सीट का लुक बिल्कुल कंपनी वाला लुक दे दिया है और इसमें डिजाइन भी एक बना दिया है इस तरह से। ये आप डिजाइन देख सकते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आया है, ये बिल्कुल स्प्लिट सीट का लुक आपको मिल जाएगा इसमें। चलिए अब हम बाइक में इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, अपने साइड में पल्सर 135 भी खड़ी है, उसमें स्प्लिट सीट है और यह है अपनी पल्सर 150, ये अपनी वाली है और इसमें हमने डबल सीट का लुक दे दिया इसको। ये ओके फाइनली दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम।